मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरुबा जहीर। आज की इस वीडियो में आप लोगों की टेंशन दूर करने वाली हूँ, मतलब सबकी टेंशन नहीं, नाइन्थ और टेंथ क्लास के स्टूडेंट की, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं और उन्हें अपने सिलेबस को लेके काफ़ी टेंशन है कि किस तरह हम रिवीजन स्टार्ट करें, किस तरह हम पढ़ें, किस तरह हम अपनी सारी बुक्स का सिलेबस विद इन टाइम कवर करें। तो इस लिहाज से जो है नाइन्थ और टेंथ क्लास के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्पेशली टेंथ क्लास के स्टूडेंट को, क्योंकि उनकी 20 दिन ही रह गए पेपर्स को, इसलिए उनको काफ़ी टेंशन है। तो आज की वीडियो स्पेशली नाइन्थ और टेंथ क्लास के लिए है कि उन्हें रिवीजन कैसे करनी है अपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए। मैं बताऊँगी कि आपने रिवीजन विद इन टाइम कैसे करनी है, अपना सारा सिलेबस कैसे कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेंथ क्लास के स्टूडेंट को बताऊंगी कि आपने अपनी रिवीजन कैसे करनी है, क्योंकि टेंथ क्लास के बच्चों के पास कम टाइम है और नाइन्थ क्लास के बच्चों के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग से बताऊंगी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए। आप सबसे पहले रिलैक्स योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को रिलैक्स नहीं रखोगे, ऐसे टेंशन में आप रहोगे, तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कैसे करना है। आप जब टेंशन में होगे तो आप यही सोचोगे मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा टाइम बहुत कम रहता है, मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैंने पेपर कैसे करना है। तो इससे फिर क्या, आप पैनिक सिचुएशन में चले जाते हो, जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपका टाइम ज़्याया होता रहता है और आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और रिलैक्स वे में अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है, अपनी रिवीजन को स्टार्ट करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। नोट्स से मुराद वो चीज़ होती है जो भी टीचर्स हमें क्लास में पढ़ाते हैं, तो हम वो अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते रहते हैं, वो होते हैं हमारे नोट्स। तो अब आपके पास आप टाइम जो है ना बहुत कम रह गया, अब आपने अपने पेपर की रिवीजन करनी है, तो इसीलिए आप अपने नोट्स नहीं बनाने। इसके सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप नोट्स बनाने की तरफ चले जाते हो तो उनका आपको पहली बात है कोई फ़ायदा नहीं होता नोट्स बनाने का, क्योंकि वो आपके काम नहीं आते, आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हो नोट्स बनाने पे, आपके पास है ही थोड़ा सा टाइम, वो नोट्स बनाने में लगा देते हो, तो इससे आपके पेपर की भी तैयारी नहीं होती, और जो आप नोट्स बनाते हो आपके पेपर आ जाते हैं, वो पढ़ने का भी मौका आपको नहीं मिलेगा अब अगर आप नोट्स बनाओगे। और दूसरी बात कि जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो आप कुछ और चीज़ें साथ में गेन करने की कोशिश करोगे, उस टॉपिक के बारे में कोई और वीडियो है उसके टॉपिक के रिलेटेड देख लोगे। आप बायोलॉजी का अगर कोई टॉपिक है तो आप उसके बारे में सही से स्टडी करने के लिए और टॉपिक उसके डिस्कस करोगे किसी और बुक से, तो वो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने नोट्स नहीं बनाने, अगर आपके पहले नोट्स बने हुए हैं तो वो वेल एंड गुड, वो आप यूज़ कर लें अपनी रिवीजन के टाइम में, लेकिन आप न्यू नोट्स नहीं बनाने। और दूसरी बात कि आपने किसी के नोट्स भी नहीं लेने, कि अगर आपके फ्रेंड ने नोट्स बनाए हुए हैं तो आप वो नोट अपनी रिवीजन के टाइम उनसे देख के पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया नोट्स वो चीज़ होती है जो टीचर हमें कॉपी, जब हमें क्लास में वो लेक्चर देते हैं ना, हम वो नोट करते हैं अपनी कॉपी पे, वो होते हैं नोट्स। तो वो अब जिस टाइप की हमें समझ आ रही होती है हम उसी के मुताबिक अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसी के मुताबिक हम लिख रहे होते हैं। अगर आप हम अपनी फ्रेंड के, हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा लायक हो, तो उसके वो नोट्स हमें फिर इतने सही से समझ नहीं आएगी। जब तक हम खुद अपने दिमाग से सोच के अगर वो नोट्स नहीं बनाएंगे तो दूसरों के नोट्स की हमें समझ नहीं आएगी, तो ऐसे ही फजूल पढ़ने का। तो दूसरों के नोट्स भी नहीं लेने और अब न्यू नोट्स बनाने भी नहीं है, जो है आपके पास मटेरियल बस उसी से आपने रिवीजन करनी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप देखें आपका फर्स्ट एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है, टेंथ क्लास वालों का 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास तकरीबन 20 दिन, आज 13 डेट है, तो आपके पास तकरीबन 20 दिन है। तो आप आपने अपने सब्जेक्ट की डिवीजन जो करनी है ना, इस तरह करनी है कि आप इस 20 दिन में जो है ना आपके सारे के सारे सिलेबस, जितनी भी आपकी बुक्स हैं उनका सारा सिलेबस कवर अप आप कर लें। आप देखें मेरे ख्याल में 9 बुक्स होती हैं टेंथ क्लास की, तो उनमें से कुछ मुश्किल होती हैं, कुछ आसान होती हैं, तो उसके अलावा ये 9th-10th में लेवल भी बने होते हैं, साइंस के भी होते हैं, आर्ट्स के भी होते हैं स्टूडेंट, और साइंस में भी कुछ मेडिकल के होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग के होते हैं, तो ऐसे वो सारी बनी होती हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं हट के आपको बता रही हूँ, ग्रुपिंग के अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरऑल आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। अब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, आर्ट्स का है, इसके अलावा मेडिकल का, इंजीनियरिंग का,
अब जो भी मैंने आपको ग्रुपिंग बताई है, इसमें तीन या चार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम कौन से सब्जेक्ट बोलते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट। वो कौन से होते हैं? उर्दू के इंग्लिश होगी, इस्लामियात होगी, फहमुल कुरान भी आ गई है आई थिंक सो, और ये पाक स्टडी मतलब पाकिस्तान। ये जो होती है ना, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, इंजीनियरिंग के हो, जो भी हो, आप में ये कॉमन आती है। इसके अलावा जब ग्रुपिंग में चल जाओ तो आपके लिए डिफरेंट बुक्स होती हैं। अब जस्ट लाइक अगर पाक स्टडी या इस्लामियात है तो उसको तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उनकी डिवीजन ऐसे करें कि बस एक एक दिन उनको दें। फहमुल कुरान हो गया, उसको भी एक ही दिन दें। इसी तरह उर्दू होती बहुत ईजी है, समझते हम लोग, लेकिन यह है कि वो बहुत लेंथी होती है, तो इसीलिए उसको आप 2 दिन दे रहे हैं। इंग्लिश को भी बाकी आप सब्जेक्ट जितने दो दो उनको टाइम दे दें। ये जो छोटी छोटी मतलब बुक्स उर्दू की है जो आपको जल्दी से तैयार हो जाती है, उनको 1 दिन दे, और बाकी जो भी बुक्स हैं उनको 2 दिन दे। वैसे तीन मैंने आपको बुक बता दी, फहमुल कुरान, इस्लामियात और पाक स्टडी, ये एक एक दिन देना है। एक एक दिन से ज्यादा इनको तैयार नहीं करना है, और तैयारी ऐसे करनी है पूरी बुक पढ़नी है आप लोगों ने। तो 3 दिन ये हो गए, बाकी आपकी 6 बुक्स रहेगी, और 6 × 2 2 डेज हर बुक के लिए रखने हैं, तो कितने आ गए आपके, 12 12, और ये 3 डेज, 15 डेज में आपका सारा सिलेबस ही कवर हो जाता है 9 बुक्स का। अब बच गए आपके लास्ट के 5 डेज, तो लास्ट के 5 डेज में आपने वो बुक तैयार करनी है जिसका आपका सबसे पहले पेपर है। उसको इतनी अच्छे से रिवीजन आपने करनी है कि 2 3 बार आप उसकी रिवीजन कर लें, और रिवीन ऐसे करनी है कि आपने लिखना है उस रिवीन, रिवीन करते वक्त जब आपने वो टॉपिक तैयार कर लिया उसको लिखना है, क्योंकि आपका पेपर रिटन होगा, ओरल नहीं होगा, आपसे कोई सुनेगा नहीं, इसलिए लिखना है आपने ज्यादा से ज्यादा चीज को। अब सब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से करने हैं, कि आपने कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है पढ़ने से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम योर टॉप सब्जेक्ट। अब हर बंदे को एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको बिल्कुल डिसलाइक करता है, उसके लिए जो वो पसंद नहीं ना करता है सब्जेक्ट, उसके लिए वो सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप उस टफ सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट ऐसा होता है ना, आप उसको पहली बार डिसलाइक करते हो, डिसलाइक करने की वजह से उसको आप ज्यादा टाइम भी नहीं देते होगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आप मिस कर देते होंगे, आप कहते होंगे कि नहीं मैंने नहीं पढ़ने। तो आपने वो टफ सब्जेक्ट करना है सबसे पहले, और उसमें सारे टॉपिक्स आपने करने। और इसका आसान वे मैं आपको बता देती हूँ कि चाहे वो टफ सब्जेक्ट है, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो इजी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुश्किल होते हैं, तो आप एक मुश्किल रख लो, एक आसान रख लो, एक मुश्किल एक आसान, इस तरह आपका वो जल्दी से कवर हो, और 2 दिनों में साथ में लिख के वो करना है आपने। फिर आपने इजी सब्जेक्ट करने जो बहुत इजी आपको लगते हो, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत, जो जो हो भी इजी, जस्ट लाइक इस्लामियात होगी, उर्दू होगी, फहमुल कुरान, ये वाली जितनी भी बुक्स है ना ये इजी होती है, फिर आप वो कर लें। और सबसे एंड पे आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, वो लेस कंज्यूमिंग टाइम होता है उसका, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से आती है, वो आपकी इंटरेस्टिंग बुक होती है, इस वजह से आपको उस पर कम टाइम लगाना पड़ता है, तो आप फिर वो एंड पे रख लो। तो ऐसे आपने करनी है अपनी स्टडी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप ये सारी अपनी बुक्स की रिवीजन कर लो ना, तो एक एटलीस्ट वन आपने एक पास्ट पेपर ये करना होता है। जब भी आप अपनी, मैंने आपको 2 2 दिन एक एक दिन बताया है, तो आपने क्या करना है, आपने पास्ट पेपर कोई भी पुराने साल का पेपर ले लेना है, उसका ये नहीं है कि उसी में से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं, इससे ये होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पास्ट पेपर लेना है, बुक्स अपनी सारी दूर रखनी, अपनी पेंसिल मार्कर और ये शीट्स वगैरह रखनी है, उस पेपर से आपने देख के लिखना है, चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग करने से आप लोगों को क्या होगा, कौन सा वो चेक करके आपको मार्क्स मिलेंगे, तो वो लिखना है। साथ में एक वॉच रखनी है आपने, जिस पे आपने टोटल टाइम जितना आपके वो पेपर के लिए बताया गया है टाइम है, उस पेपर में कितना लगेगा, उतना टाइम आपने लगा के वो पेपर सॉल्व करना है। ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और वो टाइम ऐसा होता है कि हम लोग आता, हमें सब कुछ होता है, लेकिन हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती, पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया होता, जिसकी वजह से हमारे एनुअल एग्जाम में पेपर रह जाते हैं, क्वेश्चन काफी सारे हमारे रह जाते हैं,
तो इसीलिए आपने पहले से प्रैक्टिस करनी है कि विद इन टाइम हमने पेपर कैसे करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पेपर करते वक्त ये बात याद रखनी है कि आपने ये स्टाइलिंग, इतनी ज्यादा हेडिंग ऐसे वो स्टाइल मार के नहीं लिखनी है, जितनी जो भी हेडिंग्स होंगी, हेडिंग बनानी है मार्कर से, लिखनी है हेडिंग। लेकिन ये है कि हेडिंग आप लोगों ने ये नहीं करनी है कि उसको स्टाइल में लिखने से ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। आप बेशक आपकी राइटिंग गंदी है जो मर्जी, आपने अगर कटिंग ना की हो, साफ लिखा हो, हेडिंग बनाई हो, तो एग्जामिनर को आपका पेपर समझ आ जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हेडिंग स्टाइल में लिखने से आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे बहुत ज्यादा परहेज करनी है। और एक सब इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें ना, तो आप पूरा पेपर पहले बाहर ही ना पढ़ लें। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पूरा पेपर पर रीड करते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप अपना पेपर ऐसे पढ़ते हो, सारे क्वेश्चन, जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हो आपके दिमाग में उसका आंसर आता है, दूसरा पढ़ते हो उसका आंसर, तीसरा पढ़ते हो, इस तरह वो अचानक सारे आंसर आपके दिमाग में आ जाते हैं। और जब आप लिखने लगते हो तो बिल्कुल आपको कुछ ये मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन, और जब लिखने की बारी आती है आंसर को, तो आपको वो भूल जाते हैं। इसीलिए आपने क्या करना है, अब सब्जेक्टिव पार्ट जैसे भी स्टार्ट हो तो आपने पार्ट वन करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखें, अगर आपको आता है तो करें, नहीं तो उसको छोड़ें। फिर दूसरा अगर आता है वो करें, लिखें, उसके बाद तीसरे पे जाएं, तीसरा नहीं आता उसे छोड़े, चौथे, इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। एक बार पूरा पेपर पढ़ने के बाद फिर नहीं करना है, इस तरह ये होता है कि आपके आंसर मिक्सअप हो जाते हैं और आपको भूल जाता है। ये 10th क्लास के लिए शेड्यूल था। एक इम्पॉर्टेंट कोट है, यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते जब तक आप कोशिश करते नहीं, जब तक आप कोशिश करते रहेंगे कोई भी आपको हरा नहीं सकता, आप फेल नहीं हो सकते। तो आपने भी कोशिश करनी है और बहुत इजीली आप इतने अच्छे मार्क्स ले लोगे, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए मार्क्स लेना। और यह है कि ये बिगनर होते हैं आप लोग, यहाँ से 9th 10th से आगे ये कैटेगरी, 9th 8th के बाद ये कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग बिगनर होते हो, तो इसीलिए आपसे ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं करते, और अगर आपने साफ सुथरा लिखा हो तो आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब 9th क्लास के लिए सेम थिंग, रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स रखना है, जितना हो सके आपने अपने को रिलैक्स रख के पढ़ना है। टेंशन से आपको, पहली बात कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा, अगर कोई थोड़ा बहुत याद भी होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स नहीं बनाने, 9th क्लास के लिए भी सेम कि नोट्स नहीं बनाने हैं अब आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप नोट बनाओ, उनसे तैयारी करो, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने में लग जाओगे तो उन नोट्स से पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अगर पहले के नोट्स हैं तो उनसे तैयारी करें आप। तो इनका सॉरी, ये इनका मैंने गलत लिख दिया, ये 10th क्लास का, ये 25 से एग्जाम इनके स्टार्ट हो रहे हैं। ये 25 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इनके पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज हैं 9th क्लास के पास। तो आपने भी ऐसे ही सब्जेक्ट की डिवीजन करनी है कि कैसे आपने अपने सारे सिलेबस को कवर करना है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। मैंने आपको बताया 14 डेज है, तो जैसे मैंने 10th क्लास को बताया, आप 9th क्लास को भी ऐसे ही बता रही हूँ कि आपने एक एक दिन आसान सब्जेक्ट को देना है और जो मुश्किल है उनको दो दो देने हैं। इस तरह आपके भी 15 दिन लगेंगे। अब आगे फिर मजीद 15 दिन कर लें, आप 2 बार रिवीजन, 30 दिन में आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी आपके पास 10 दिन बचेंगे, तो उसमें जो आपको नहीं आते हैं टॉपिक्स, जो चैप्टर आपके लिए मुश्किल है या कोई बुक आपके लिए मुश्किल है, आप उसकी रिवीजन करें, उनको ज्यादा टाइम दें, तो ऐसे आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है। तो आप लोगों ने पहले सबसे मुश्किल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है कि मेरा मुश्किल सब्जेक्ट जो भी है वो मैंने पहले कवर करना है, उसके बाद ये आपने इजी सब्जेक्ट, और फिर नेक्स्ट अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे करना है। अभी आप लोगों के स्कूल भी हैं तो इसीलिए एक एक सब्जेक्ट को अगर लेके आप तैयार करें तो आपके लिए इजी होगा। और इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों ने जो भी टॉपिक तैयार करोगे वो लिखना है सही तरीके से, क्योंकि जब आप लिखोगे ना, तो अगर आपको एग्जाम में भूल भी जाए ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके पेन को याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये लिखा था,
और वो ऑटोमेटिकली आपका पेन चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको ग्रिप थोड़ी सी हो जाती है जब आप रिवीन करते हो वो लिखते हो, तो ग्रिप थोड़ी सी बंदे की बनी हुई होती है। तो इसीलिए अगर भूल भी जाए ना, तो आप खुद से एक सेंटेंस भी बना सकते हो, तो इसीलिए लिखना मस्ट है। आप लोगों ने भी एक आध पास्ट पेपर हर बुक का सॉल्व करना है। अगर आप सारी बुक्स का नहीं करना चाहते तो कम से कम किसी बुक का एक पेपर सॉल्व करें, जिससे क्या हो कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ कि कैसे टाइम पे आपने अपना पूरा पेपर करना है। तो वही पहले वाली बात कि जब भी आप रिवाइज करो जो भी टॉपिक, तो एंड पे फिर वो उसको लिखो नोटबुक पे, और अपनी थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होती है वो भी देखो और निकालो। इससे ये होगा कि आप बहुत अच्छे से और तेजी से लिखना स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि आप जब भी रिवीजन करके लिखोगे ना, तो आपका हाथ तेजी से चलना शुरू हो जाएगा पेपर में भी। तो आप लोगों ने लिखना जरूर है रिवीजन के बाद। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।